नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कश्यप क्लासेस नेट क्रैकर में, जो फुल्ली एजुकेशनल एंड कल्चरल चैनल है। फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर कश्यप, सन ऑफ श्री बाबूराम कश्यप, आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने नर्वस सिस्टम पर बनाया है, जिस पर बहुत दिनों से कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था। जैसे सतीश यादव, आकाश मिश्रा, उर्वी मिश्रा, कीर्ति मणि, रिया वर्मा आदि। मानव का मस्तिष्क ही एक ऐसा अद्भुत अंग है जो उसे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाता है। इसी के द्वारा आज मानव केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर भी अपने विजय रथ को दौड़ा रहा है। यस फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल कश्यप क्लासेस नेट क्रैकर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इससे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड साइंटिफिक प्रोग्राम आपको समय पर मिल सके। व्हाट इज नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या है, इसका आंसर इस प्रकार है। नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स विच रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द वाइटल एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। तंत्रिका तंत्र अरबों न्यूरॉन्स का बना हुआ कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल तंत्र है, जो हमारे बॉडीज के वाइटल एक्टिविटीज मीन्स जीनो उपयोगी क्रियाएं तथा प्रक्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करता है। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, शरीर की मध्य रेखा के साथ साथ स्थित होता है। 85 बिलियन न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। यह 3 मस्तिष्क आवरणों द्वारा घिरा रहता है, जिसे इंग्लिश में मेनिंजेस कहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला पाया मैटर, दूसरा अरेक्नॉइड मैटर और तीसरा ड्यूरा मैटर, जिसको आप फार्मूला की तरह याद कर सकते हैं, जिसे पैड कहते हैं, PAD पैड, पैड के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ पहला पाया मैटर, जो झिल्ली है जिससे मस्तिष्क हमारा घिरा हुआ है, पहला पाया मैटर, उसके ऊपर अरेक्नॉइड मैटर और सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर। मस्तिष्क आवरणों को मस्तिष्क झिल्ली या मेनिंजेस भी कहते हैं। पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर झिल्ली के मध्य एक क्लियर फ्लूइड बहता है, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, या इसका शॉर्ट फॉर्म ले लें CSF कहते हैं। फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाहरी झटकों एवं चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। इन्हीं मेम्ब्रेन्स में जब वायरल या प्रायोन्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसे मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, जो कि एक घातक बीमारी है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पहला ब्रेन, इसका औसतन भार 1350 ग्राम होता है, जो बोन्स के बने ब्रेन बॉक्स में सुरक्षित रहता है। ब्रेन बॉक्स, जिसे क्रेनियम कहते हैं, ब्रेन की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। ब्रेन में नर्वस टिश्यू मोटी दीवार बनाता है, जो 2 पार्ट ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में डिवाइड रहते हैं। मैटर न्यूरॉन के साइटोन, डेंड्राइट्स और न्यूरोग्लियल सेल्स के बने होते हैं। यह ब्रेन के ऊपरी भाग में पाया जाता है।
व्हाइट मैटर, यह ब्रेन के भीतरी भाग में पाया जाता है जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का बना होता है। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फोर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन एंड थर्ड हिंड ब्रेन। फर्स्ट फोर ब्रेन, इसे इंग्लिश में प्रोसेनसेफलॉन कहते हैं। इसमें सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसेफलॉन आते हैं। मिड ब्रेन, इसमें सेरिब्रल पेडंकल एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना पाए जाते हैं। हिंड ब्रेन, इसे रोम्बेनसेफलॉन कहते हैं। इसमें सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा पाए जाते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन के पार्ट्स का डिस्कस किया जाए, जिसमें पहले नंबर पे है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, या इसका दूसरा नाम टेरेनसेफलॉन है। यह बुद्धि का केंद्र होता है। यह पूरे ब्रेन का 3/4 पार्ट बनाता है, यानी 80% ब्रेन सेरिब्रम का ही बना होता है। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। यह दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर न्यूरॉन्स की मोटी पट्टी, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर फोर लोब्स में बटे होते हैं, जिसे हिंदी में पालियां कहते हैं। इन लोब्स का नाम इस प्रकार है, पहला फ्रंटल लोब, दूसरा पेराइटल लोब, तीसरा टेम्पोरल लोब और चौथा ऑक्यूपिटल लोब। सेरिब्रम के कार्य, यह चेतना, बुद्धि, स्मृति एवं इच्छा शक्ति का केंद्र होता है। यह भावनाओं एवं वाणी पर भी नियंत्रण रखता है। यह बोध का केंद्र है तथा व्यक्ति के हंसने या रोने पर भी इसी का नियंत्रण होता है। संवेदनाओं व आवेगों का अर्थ एवं निर्णय तथा प्रत्युत्तर भी इसी के द्वारा होता है। सेरिब्रम में विभिन्न संवेदनाओं के लिए अलग अलग केंद्र होते हैं, जैसे दृष्टि व श्रवण के लिए ऑक्सीपिटल लोब तथा गंध व स्वाद के लिए टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। इसमें सर्दी, गर्मी, स्पर्श, प्रकाश आदि के प्रति अनुक्रियाएं भी पाई जाती हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति का सेरिब्रम जितना अधिक विकसित रहेगा, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान और इंटेलिजेंट होगा। दूसरा, ऑल्फैक्टरी या घ्राण पालियां। सेरिब्रम हेमिस्फीयर के कुछ भाग घ्राण संवेदनाओं से संबंधित होते हैं, मींस स्मेलिंग से संबंधित होते हैं। डायनसेफलॉन, यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग है, जो सेरिब्रम तथा मध्य मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, पहला एपिथैलेमस, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। तंत्रों में से एक प्रकार का संबंध बनाए रखता है तथा न्यूरोहार्मोन्स के स्राव द्वारा एंडोक्राइन ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के उच्च केंद्र होते हैं, मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हाई सेंटर से पाए जाते हैं, जो भूख, प्यास, नींद, श्रांति, भावनाओं, क्रोध, प्रसन्नता, संतुष्टि आदि पर नियंत्रण रखते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट्स एवं फैट्स के मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, वाटर बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर तथा होम्योस्टेसिस में समस्थापन को नियंत्रित
नियंत्रित करते हैं। इसकी कुछ तंत्रिकाएं केशिकाएं वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। ब्रेन का दूसरा जो पार्ट है उसे मिड ब्रेन कहते हैं या मेसेंसेफलॉन मध्य मस्तिष्क कहते हैं। यह मस्तिष्क का छोटा सा संकुचित भाग होता है जो डायनसेफलॉन के पीछे फोर ब्रेन के नीचे तथा हिंड ब्रेन के ऊपर स्थित होता है। इसकी गुहा अत्यधिक संकरी होती है जिसे आइटर कहते हैं। मिड ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला क्रूरा सेरिब्राई तथा दूसरा कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना। ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है उसे हिंड ब्रेन कहते हैं या इंग्लिश में रोमन सेफलॉन या पश्च मस्तिष्क कहते हैं। हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, पहला सेरिबेलम, दूसरा पॉन्स वेरोली और तीसरा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। पहला सेरिबेलम यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह सेरिब्रल गोलार्धों मीन्स सेरिबेलर हेमिस्पियर्स में डिवाइड होता है जो मेडुला के ऊपर स्थित होता है। सेरिबेलम के कार्य, पहला यह कंकाली पेशियों के संकुचन एवं समन्वय का नियमन करता है मीन्स स्केलेटल मसल्स को यह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तथा कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। सेरिबेलम का दूसरा कार्य यह फोर ब्रेन तथा ऐच्छिक गतियों मीन्स है। यह शरीर के संतुलन एवं साम्यवस्था का नियमन करता है। यह शारीरिक गतियों को स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा पॉन्स वेरोली यह मेड्यूला के ठीक ऊपर स्थित होता है तथा श्वेत तंत्रिका तंतुओं के पुलों का बना होता है। यह सेरिबेलम की दोनों लोब्स को जोड़ता है तथा शरीर के दोनों पार्श्वों मीन्स लेटरल साइड्स की पेशियों मीन्स मसल्स के मूवमेंट्स को नियंत्रित करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा यह मस्तिष्क का सबसे निचला या पिछला भाग होता है। यह कौन शेप्ड होता है, इसकी गुहा को फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। मेडुला के कार्य, मेडुला सभी अनैच्छिक क्रियाओं मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आदि को नियंत्रित करता है। अतः इसमें श्वसन केंद्र मीन्स रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर तथा वैसोमोटर के केंद्र होते हैं। मेडुला निगलने, वमन करने, खांसने और छींकने की क्रियाओं का केंद्र भी होता है। मस्तिष्क कई उभार और गर्तों में डिवाइड होता है मीन्स मानव का मस्तिष्क फोल्डेड रचनाओं में डिवाइड होता है। इन फोल्ड्स को की जो उभरी हुई रचना होती है उसे गायरी कहते हैं तथा जो धसी हुई रचना होती है उसे सल्की कहते हैं। गायरी एंड सल्की मानव मस्तिष्क को अत्यधिक जटिल बनाती है जिससे मानव मस्तिष्क क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स में इसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स मानव क्रेनियम बॉक्स में समाहित हो सकें। ऐसा इसलिए होता है, मानव मस्तिष्क जो फोल्डेड होता है इसका एक ही कारण यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स ऐसा करने से एडजस्ट हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम का जो दूसरा भाग है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं जिसे हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं। यह मेडुला का ही प्रसार है जो कशेरुक दंड मीन्स वर्टिब्रल कॉलम की तंत्रिका नाल में स्थित होता है।
यह प्रथम कशेरुक से प्रारंभ होकर कट प्रदेश तक फैली होती है। स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी खोखली एवं बेलनाकार रचना होती है। स्पाइनल कॉर्ड के कार्य, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र होता है। मींस स्पाइनल कॉर्ड ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस के सेंटर होते हैं, जैसे स्नीजिंग, कफिंग एंड अदर रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक आंखों का झपकना, छींकना, खांसना आदि क्रियाओं का केंद्र इसी में पाया जाता है। यह स्पाइनल तंत्रिकाओं एवं मस्तिष्क के बीच लिंक बनाता है। प्रकार की नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसे हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वे नर्व्स आते हैं जो ब्रेन से निकलते हैं तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं वो 12 जोड़ी होते हैं, उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं तथा स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलने वाले नर्व्स होते हैं वे 31 पेयर्स होते हैं, उन्हें स्पाइनल नर्व्स होते हैं। ये शरीर के विभिन्न भागों में जाकर सेंसरी तथा मोटर क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ऑल दोस नर्व्स आते हैं जो ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर वे शरीर के अन्य अंगों में जाते हैं। मींस ये शरीर के अंतरांगों में, मींस विसरल ऑर्गन्स में जाते हैं और वहां पर ये बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम्स आदि को नियंत्रित करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।